जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही स्टेज पे रहेगा, बाकी सब प्लीज स्टेज से नीचे हो जाइए। यहाँ चल रहा है खुशियों का कॉम्पिटिशन, आप इसे कोई भी इंटरेस्टेड हो। भाई क्या लगा रखा है तुमने, पुलिस लगा रखी क्या लगा रहा है? सो गाइस हम जा रहे हैं शेरू क्लासिक के बीच में और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, तो रास्ता यहाँ से जाम है, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। साथ में हमारे और बॉडी बिल्डर भाई हैं, दिखाई आपको तो शेरू क्लासिक के स्टेज पे ही मिलेंगे सीधा हम तुम्हें। सो गाइज गेट नंबर 5 प्रगति मैदान पहुंच गए हैं और बंदे इतने खतरनाक आए ना कि हमें डीमोटिवेशन मिल रही, गलती आ गए यहाँ पे, इतने खतरनाक खतरनाक बंदे। अंदर से लेके आपको दिखा दूँ कैसे कैसे बंदे आए हुए, देखने वाले भी खतरनाक और खेलने वालों की तो बात ही फिर क्या बोलें अब आपसे। मिलते हैं सीधा अंदर, दिखा दूँ आपको। ये VIP पार्किंग से जाएंगे भाई, वो VIP एंट्री होगी, फिर अच्छा। सो गाइज यहाँ से एंट्री अपनी अंदर गेट के अंदर एंट्री ले ली गाइस, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है और एथलीट भी एक से एक आए गए यहाँ पे। तो गाइस एंट्री गेट देख रहे हैं, यहाँ से हम पासिस तक हो गया अरेंजमेंट। कॉम्पिटिशन भी दिखाएंगे अभी आपको, जेरमी आया हुआ है और बहुत सारे एथलीट आए हुए हैं जिनके मेरे को नाम भी नहीं पता, और साथ में बॉबी भाई बॉबी भाई कुछ कहना चाहोगे? बॉबी भाई कुछ कहेंगे नहीं, फिर करके दिखाएंगे। आप जॉब कर रहे तब भी इतने बरकरार, इतने फिट है, कमेडेबल राउंड भुक्का सो पावन मेरे दोस्तों। बॉबी भाई जो है रजत यादव कंपटीशन में गए हैं, पुशअप्स में सबसे ज्यादा पुशअप्स मारे हो, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही स्टेज पे रहेगा, बाकी सब प्लीज स्टेज से नीचे हो जाइए। यहाँ चल रहा है पुशअप्स का कंपटीशन, आप इसे कोई भी इंटरेस्टेड हो तो क्या आप इसे करेंगे? गाइस नी सी की पोजीशन यहाँ पर भी आ सकते हो, भाई ने मारे कुछ 70 पुशअप और भाई को जिसमें एक टी शर्ट और एक जेकेट मिला है। अभी आज हम दूसरा कंपटीशन देख रहे हैं, फिर उसके बाद मेन कंपटीशन भी दिखाएंगे जहाँ पे लोग पोजिंग मार रहे हैं, मतलब वही कंपटीशन टैनिंग वाला प्रॉपर, वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे गाइस हर प्रोटीन से प्रोटीन की कंपनी आई हुई है यहाँ पे, सप्लीमेंट की सारी। Thank you.
प्रोटीन मिल रहे हैं ऐसे 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 जितना मर्जी पियो, इसको प्रोटीन चाहिए वो आ सकता था शेरू प्लास्टिक कॉम्पिटिशन में। Any guesses?
congratulations. Thank you. अगर भी आए हैं ढिंचक पूजा का पता नहीं क्या काम है और कॉम्पिटिशन में बहुत टाइम लग जाएगा। हम निकल जाएंगे यहाँ से जब तक 10 बज जाएंगे यहाँ पे और हम निकल लेंगे उससे पहले ही। और देखते कौन खेलता है रात में शो थोड़ा ज़्यादा तो मैं घर पर चीज़ें आपको बता पाऊँगा। फिलहाल तो सर की कॉन्स्टेंस जो है नाम पता नहीं तो फिर ले रहा हूँ मेरा बट उसमें सर्जरी करवा के सगर थोड़ी सी चेंज हो गई। बाकी देखिए कोई और कहता है तो दिखाते हैं बताते हैं बात करूँ बहुत तगड़ा छूट गया था वो देखो तो वो बंदों को इंडिया के बंदों को दिला दिया जो भी उसका सप्लीमेंट का ब्रांड है बहुत अच्छी टेक्निक है उसकी और बच्चे इंडिया के देखने का फैन है जैसे पहले रख दिए लेकिन प्यार 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 में कुछ हेल्प मिलेंगे सप्लीमेंट तो बहुत अच्छी बात है। सो अब हालत टाइट हो गई है। अब गाइस निकल रहे हैं 4:15 बज गए कॉम्पिटिशन तो यहाँ 10 बजे तक चलेंगे पर अब रुकने का मन नहीं है तो यहाँ से निकलते हैं और घर पे इसका रिव्यू देता हूँ प्रॉपर तरीके से कौन सा जहर लग रहा था और कैसा था एक्सपीरियंस सारा घर में बताता हूँ। तो मिलते हैं सीधा घर पे। बाय सर। सो गाइस घर पे तो पहुँच गए हैं बट हालत आज बहुत डाउन हो चुकी है और मेरे को सबसे खास एंट्री पता है वहाँ पे किसकी लगी ईमानदारी से बताऊँ बॉडी बिल्डर तो वहाँ एक से एक आए थे बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर मतलब कह नहीं सकते अपने आप को मतलब जो आप देख रहे हो ना ये कुछ भी नहीं है इसके आगे। बट वहाँ मेरे को सबसे तगड़ी एंट्री जो लगी वो लगी मोदी जी की। भाई साहब मतलब पावर हो ना अगर बंदे में तो वो मोदी जी जैसी हो। सो गाइज वहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पे ढिंचक पूजा नहीं आई थी एक मेरे से मिस्टेक हुई थी क्योंकि मेरे को ज़्यादातर मैं इंटरेस्ट नहीं लेता कि कौन क्या है कौन कितना आगे गया है मैं अपने में मस्त रहता हूँ। सो वो ढिंचक पूजा नहीं थी वो एक बॉडी बिल्डर है मतलब लड़कियों में शिवानी शायद नाम है मेरे ख्याल से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जो आदि नागर के साथ आई थी। और वहाँ पे नरेंद्र यादव आए थे और जर्मी आए थे। सर की कॉन्स्टेंस की बात मैं करूँगा गाइज मेरा अगर नाम स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो तो आप इसको ठीक कर देना जैसे मैंने कहा मैं ध्यान नहीं देता। सरगी ने गाइज सर्जरी करवा के मतलब अपने फेस की पूरी बैंड बजा दी। सरगी की फेस पहले हमने देखी थी तो बहुत अच्छी लग रही थी बट अब सर्जरी के बाद मतलब जैसे माइकल जैक्सन की फेस की स्किन हो गई ना वैसी हो रखी सरजी की। और बहुत सारे आए थे मतलब यूट्यूबर तो सारे आए थे बद्री फिटनेस आए थे और बॉलीवुड मतलब अपने यहाँ की बात करूँ सो सब में तगड़े अपने गुरुजी मुकेश गहलोत जी लग रहे थे जो टी शर्ट में आए थे और बहुत ही धमाकेदार लग रहे थे गाइस क्या बताऊँ उनके बारे में। और सेकेंड पे फॉरेन में मैं बात करूँ तो सब में तगड़ी बॉडी जो थी वो मेरे को लगी एंड्रयू जो भी स्पेलिंग है वो देख लेना एंड्रयू की बॉडी सब पे तगड़ी लगी मेरे को।
और सेकंड पे लगी सर की कॉन्स्टेंस की, और जर्मी भी आए थे, जर्मी बियोंडिया भी आए थे, स्पेलिंग आई देख लेना। सो सारे आए थे टॉप क्लास, सुमित यादव भी, और बहुत तगड़े लग रहे थे, बहुत वीआईपी एंट्री हुई थी, हमारी भी वीआईपी एंट्री हुई थी क्योंकि थोड़े बहुत भाई की जान पहचान थी। सो उसके बाद गाइज मेरा तो मतलब वहाँ पे इतनी गंदी मतलब सीन चल रहा है ना, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि गाइज आप जिम जाओ बट स्टेरॉइड्स वाली लाइन में बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि कंपटीशन वाली जो लाइन है वो प्रॉपर स्टेरॉइड्स वाली है, इंजेक्शन वाली है। फिलहाल के लिए तो मैं प्रोटीन भी मतलब कि छोड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ एक चीज़ ऐसी चीज़ पाई गई है जो कि मैं अब देख के प्रोटीन भी लिया करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में उस पर लेके आऊँगा कि क्या चीज़ है जिससे कि आप अपने प्रोटीन को चेक कर सकते हो। और मेरे को तो गाइस बेसिकली अच्छी नहीं लगी, क्यों, क्योंकि मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट मैं आपको सच बता रहा हूँ कि स्टेरॉइड्स वाली जो लाइन होती है ना उसमें मतलब अपने बंदा अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के ना, दांव पे लगा के नाम बनाने के लिए वो मरने तक के लिए चला था। क्योंकि मैंने आज वहाँ जैसे जाके बंदों की हालत देखी है ना गाइज, मैं ही बता सकता हूँ कि वो किस तरीके से और कैसे तैयारी कर रहे हैं। वो स्टेरॉइड्स लेना बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और बहुत डेंजरस चीज़ है, मेरे ख्याल से उनको भी पता होगी। बट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कॉम्पिटिशन वाली लाइन में मत जाओ। बाकी गाइज बहुत मज़ा आया, बहुत धमाकेदार थी, एक से तगड़ा यूट्यूबर आया हुआ था, बद्री फिटनेस से लेकर, आरुष बोला फिटनेस से लेकर, रोहित खत्री, यश आनंद, अभिषेक यादव। से सोचा था कि देखेंगे भाई की कंडीशन, बट हमको 10 बजे तक का कंपटीशन था तो हमको जल्दी आना था, सो हम निकल चुके थे। अभिषेक यादव, नितिन चंडीला, राजीव फिटनेस, और हाँ एक चश्मे वाला जो लड़का नहीं है, पठान करके जो किया है जिसके डॉक्टर चॉइस की अभी प्रमोशन चल रही है, गाइस लिटरली सच बताऊं तुम्हारे भाई उसके आगे अगर टी शर्ट उतार देता ना आग लगा देता, दिखने नहीं देता मैं उसको, उसकी इतनी ऐसी फिजिक है ना गाइस, बहुत ही पतला सा बंदा, उसकी मैं फ़ोटो डालूंगा आपको, वो बंदा और गाइस इंस्टाग्राम पे मैं क्या बोल सकता हूँ, अच्छी बात है वो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलत बात है, अच्छी बात है, जैसे लोगों को पसंद आए वैसा करना चाहिए। बट गाइस मैं टी शर्ट उतार देता ना तुम्हारी जान कसम, तुम्हारा भाई दिखने नहीं देता उसको। और गाइस जितने भी थे सारे दिखे थे, सारे बहुत अच्छा था, इवेंट बहुत ही ख़तरनाक था, शेरू क्लासिक कॉम्पिटिशन था, IHHF, ठीक है, IHFF के अंडर में था, और शेरू क्लासिक 2022 वन ऑफ द माई फेवरेट कॉम्पिटिशन दिस वॉज। सो गाइज मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत धमाकेदार वीडियो में प्रोटीन से लेकर सप्लीमेंट से लेकर अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे अच्छा कर सकते हो। मेरे हिसाब से जिम जाना चाहिए बट स्टेरॉइड्स वाली लाइन में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके उतना नेचुरल अपनी डाइट से ही सब कुछ करने की कोशिश करें, बिकॉज बिना जिम के कुछ भी नहीं है ज़िंदगी के अलावा। सो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हार्डवर्क, और ब्रो हार्डवर्क ब्रो, और गाइज मैं हाँ मैं आपको ऐसी और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बेहतर चीज़ें लेके आता रहूँगा। और आपको सबसे तगड़ा बॉडी बिल्डर कौन सा लगा, फॉरेन का भी बताना और इंटरनेशनल का तो बताओगी, और नेशनल का भी हमारे बताना कि कौन सबसे तगड़ा लगा।